आज तो तेरा खेल खत्म करके ही चैन की सांस लूंगा। चैन की सांस तो तुझे मरने पर भी मिल जाएगी मुन्ना, तो उसकी जगह तू मर ही जाना। डायलॉग बाजी हो गई हो तो ये देख, अब मौत का नंगा नाच शुरू किया जाए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बड़ी जल्दी हो गई, हवा टाइट। अब मेरी बारी इसकी सर्विस करने की। आप कौन हो भैया? भैया नहीं, पापा, बोल पापा। ओके सॉरी पापा। अब गलती करी है तो सजा तो मिलेगी ना मेरी जान। अगर ऐसी ही बात है तो आ जाओ फिर। चल बे। मौत की गिनती शुरू की जाए। गिनती गिनवाले पर ये मत भूलियो कि मौत तेरी ही आनी है। नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। इतनी जल्दी नहीं, तू अभी ही मरेगा। ये ले। लग गए। असली एल तो तेरे अब लगेंगे मुन्ना। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। ये तो ठंडा पड़ गया, रुको इसे अभी गर्म करता हूं। चल बेटा शर्मा, मत प्रसाद समझकर खा ले। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, मुझे और कोई चाहिए। शांत हो जाओ भाई, इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है भैया। तू तो गया बेटे। कौन है? पहले ये ले मुन्ना। भाई पर तुम हो कौन? मुझे इंट्रो देने का शौक नहीं, पर मैं ये जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारे लगने वाले हैं। सरल शब्दों में कहूं तो तुम तो गए आज। रुक, तुझे तो मैं बताता हूं। अच्छा जी। अच्छा क्या, तेरा तो कच्चा ही फाड़ डालूंगा आज मैं। मैं अपने छोटे भाई से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हूं, तो मुझे ऐसे खींचना तो भूल जाओ। अच्छा ऐसी बात है, फिर अब बचकर दिखाओ। ये लो बच गया, पर अब तुम नहीं बच पाओगे। इतनी सी से लग गई, फिर अब देखो। ये तो गया। चुप कर बे कुत्ते। कुत्ता नहीं, मैं शेर हूं अंकल। अच्छा तो ये ले शेर। अब तुझे थोड़ा झूला झूला दूं तेरे भाई की तरह। लग गए। डर मत, बहुत मजा आएगा। मुझे जाने दो। ये लेता जा। पट से गांड सोट। अब बारी है तेरा खेल खत्म करने की। मरने से पहले कुछ कहना चाहेगा या ऐसे ही मौत के घाट उतार दूं तुझे? एक आखिरी बार हो जाए। लेट्स गो। ये क्या बचकानी चाले चल रहे हो? बचकानी तो ये लो फिर। अब सिर्फ तुम रोओगे, पछताओगे। इस पागल से कुछ होना है नहीं, और इतनी डींगे मार रहा है। अब मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। बाहर आओ। यहां के हाल तो बेहाल लगते हैं। मुझे क्यों याद किया? क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई की मदद करनी है। तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी अब अपने प्राइम मोड में नहीं है। स्टीव, अभी नहीं तो कभी नहीं। छोटे भाई को बचाने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हूं। ये आवाज तो लगता है मॉन्स्टर भैया ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये कौन है? आखिर ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया?
इसका तो सिस्टम ही हैंग कर डाला। पर ये कमाल किया किसने? मुझे इससे बचा लो।